तो वही ऋषिकेश के श्यामपुर ग्राम सभा के बंगाला नाले पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर एक 75 साल के बुजुर्ग वर्ष 2020 से तहसील के चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके बुजुर्ग की शिकायत पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई कोई कदम नहीं उठाया गया है। तहसील पहुंचे शिकायतकर्ता लाखीराम ने प्रशासन को कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान की शय में भूमाफियाओं की तरफ से सरकारी जमीन और नदी नालों पर अतिक्रमण करवाया जा रहा है। मैं ग्राम ठाकुरपुर ग्राम सभा खैरी खुद का निवासी हूं। मेरे सामने नंबरदार का फॉर्म है, ग्राम नंबरदार और ग्राम सभा श्यामपुर में, वहां पे अतिक्रमण हो रहा है बंगाले नाले पे, और जिससे कि राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और नदी का जो बंगाला नाले का जो बहाव है वो उसका पानी भी जो है रुक रहा है। तो जब बाढ़ आती है तो वहां पे लोगों ने अतिक्रमण कर दिया और वो जो नदी का जो पानी है वो बाद में ठाकुरपुर गांव में गांव की मैंने घरों में अच्छा घुस जाता है। तो अमजन सुनवाई में एक मामला आया है जिसमें नंबरदार फार्म में एक बुजुर्ग ने शिकायत की है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। तो मैंने तत्काल अपनी टीम को निर्देशित किया है कि मौके पर जाएंगे और अवैध अतिक्रमण पाए जाने की दशा में हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। वही टीरी के पड़िया गांव में एक अनोखी परंपरा है।